जिस प्रकार से मेट्रो सिटीज में आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी के कारण माइग्रेशन बहुत हो रहा है, तो उसी प्रकार से यहाँ घर की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और ये डिमांड यहाँ पर स्काईलाइन, जो आकाश छूती इमारतें हैं, उसको बनाने की होड़, मतलब लग्जरी कंफर्ट और ऊंची इमारत बनाने की होड़ लगी हुई है। अर्बन एरिया का ये ड्रीम बना हुआ है और ऐसी गगनचुंबी इमारतों को बनाना आसान नहीं है। ये अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि इसका फाउंडेशन भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और यहाँ एक तरह से स्किल्ड कॉन्ट्रैक्टर का होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर स्किल्ड कॉन्ट्रैक्टर जिसके पास स्किल्ड मैन पावर है और जो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकता है। क्योंकि लॉन्च करना तो आसान है, ब्रोशर पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाना, और बाद में जब उसके एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो उसमें बहुत सारे हर्डल सामने आते हैं। आपने देखा होगा गुड़गांव के बहुत सारे ऐसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो बहुत ऊंची हाइट के साथ, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लोर्स के साथ कमिट किए गए, लेकिन आज भी नहीं बने। सेक्टर 78 का एक प्रोजेक्ट उसका एक एग्जाम्पल भी है। तो इस समय ऐसी गगनचुंबी इमारतों को कमिट करना, लग्जरी कमिट करना, उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करना जिससे होम बायर्स को जो चीज़ें कमिटेड है वो मिल पाए, ये बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो जिस हिसाब से हाउसिंग डिमांड बढ़ रही है, डेवलपर्स अपना जो फोकस है वो गगनचुंबी इमारतों के लिए, मतलब लग्जरी ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो बेचते टाइम जैसे मैंने बताया बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका सीधा सीधा थ्रेट दिख रहा है कि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में फंस सकते हैं। तो क्या है वो प्रोजेक्ट, कहाँ पर एग्जैक्ट दिक्कत आ रही है, आज मैं आपको इस पर डिटेल में बताने वाला हूँ। क्या इसके सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं वो भी आपको मैं डिटेल बताऊंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आपने प्रॉपर्टी बुक की रहने के लिए, फ्यूचर में आप वहां अपना आशियाना बनाने जा रहे हैं, या आपने इन्वेस्टमेंट की, आपको एक्सपेक्टेशन है कि वहां पे आपकी प्रॉपर्टी पर आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन क्या एप्रिसिएशन मिल पाएगा? एप्रिसिएशन तब मिल पाएगा जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो डेवलपर का एक्सपीरियंस, उसकी एक्सपर्टीज, उसके पास किस हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो स्किल्ड कॉन्ट्रैक्टर्स है या क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर्स जिनके पास वो कैपेसिटी है बनाने की, वाकई में वो है भी या नहीं, ये सब भी आपको प्रॉपर्टी बुक करते टाइम सोचना चाहिए। तो आज इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जैक्ट सिचुएशन जो इस टाइम मार्केट में चल रही है वो बताने की ज़रूरत है, क्योंकि अलार्मिंग सिचुएशन से आपको भी अवेयर होना पड़ेगा। सिर्फ प्रॉपर्टी खरीद लेना एक इन्वेस्टमेंट नहीं होती, या घर खरीदने की गारंटी नहीं होती। बुकिंग अमाउंट देना और टिल पोजीशन तक पूरी पेमेंट्स करना, ये फाइनेंस पार्ट तो आपको संभालना होता है, लेकिन डेवलपर को गड्ढे से लेकर पूरे प्रोजेक्ट की फिनिशिंग तक तैयार करना डेवलपर का काम होता है। तो इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं और आखिर कहाँ क्या दिक्कत नज़र आ रही है उसको भी थोड़ा सा सॉल्यूशन के तौर पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बीच में एक मिनट रोकता हूँ कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं हमेशा आपको अपने यूट्यूब चैनल पे बताता हूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिटेड हों। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। बूम इस टाइम रियल एस्टेट में काफी दिख रहा है, बहुत ज्यादा यूनिट्स कोविड के बाद से ही बिक रही हैं। तो एक एनरॉक की रिपोर्ट आई, एनरॉक की रिपोर्ट कहती है हाउसिंग यूनिट्स जो लॉन्च हुई हैं टॉप 7 सिटीज के अंदर प्री पेंडेमिक, मतलब कोविड से पहले करीब 60,000 पर क्वार्टर होती थी, और अब वो बढ़ गई 1.25 लाख पर क्वार्टर हो गई है, मतलब करीब करीब 5 लाख यूनिट्स पर ईयर। ये अपने आप में मार्केट में बहुत ज़्यादा नंबर्स दिखाते हैं, मतलब शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इतने बड़े नंबर्स, ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव साइन है। लेकिन ये साथ साथ चैलेंजिंग भी है, डेवलपर्स के लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि राइट कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना, नया प्रोजेक्ट कंसीव करना, जिस हिसाब से लैंड की कीमत भी भाग गई है, डेवलपर के लिए लैंड प्राइसेस भी एक समस्या बनी हुई है। लैंड बाय करके प्रोजेक्ट डेवलप करना, ये भी डेवलपर के लिए कई बार अनअफोर्डेबल सा नज़र आता है। और इस टाइम तो गवर्नमेंट की ऑप्शंस भी ऐसी आती हैं जिसमें डेवलपर को बहुत ज़्यादा कीमत पे कई बार होड़ की वजह से या अपने नाम को बनाने की वजह से एक होड़ में डेवलपर हायर रेट पे लैंड बाय कर लेता है, और फिर उस पूरे प्रोजेक्ट को बनाना ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है।
और प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टर का होना, जो क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर हो, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर सके और पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर प्रोजेक्ट बना दे, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट टाइम फ्रेम पे नहीं बना तो रेरा की गाइडलाइन के हिसाब से बायर्स को पेनल्टी भी देनी होती है। तो ये सब डेवलपर के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। तो इस चैलेंजेस को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। कुछ नंबर्स आपको बताता हूँ मैं। 2019 के अंदर 2.3 लाख हाउसिंग यूनिट लॉन्च हुई थी टॉप 7 सिटीज़ के अंदर, और पैंडमिक के टाइम पर 2020 की बात करें तो ये नंबर गिरे थे, 1.27 लाख यूनिट्स लॉन्च हुई थी। लेकिन 2021 में जैसे ही पैंडेमिक खत्म हुआ, उसके बाद पैंडेमिक के बाद से ही रियल एस्टेट में तेजी देखने को मिली और 2.36 के आसपास यूनिट्स पैंडेमिक 2021 के बाद लॉन्च हुई। मतलब उसने 2019 का फिगर मैच कर लिया और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ रुकी नहीं। 3.57 लाख यूनिट्स लॉन्च हुई टॉप 7 सिटीज में 2022 के अंदर। ये अपने आप में नंबर्स बहुत पॉजिटिव थे, लेकिन 2023 की बात करें तो 4.4 लाख यूनिट्स इस टाइम लॉन्च किए और प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 5 लाख यूनिट्स 2024 में लॉन्च हो सकती है। टोटल की बात कर रहा हूँ, ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। अगर माइलस्टोन है तो चैलेंज भी है, चैलेंज को समझ लेते हैं। जैसे मैंने शुरू में इंट्रो में बताया था कि बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो प्रॉपर इस टाइम पे डेवलप हो रही है, और ये जो हाउसिंग का बूम है इसके कारण से पूरी इकोनॉमी चलती है। मतलब अगर आप फ्लैट खरीद रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं, जो आपके अपार्टमेंट में रॉ मटेरियल लग रहा है, वो बहुत सारी चलती है। तो इकोनॉमी अच्छा साउंड कर रही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर शॉर्टेज आ रही है स्किल्ड कॉन्ट्रैक्टर की, टाइम पे डिलीवरी की दिक्कत नजर आ रही है। अब आपने देखा होगा डेवलपर प्रोजेक्ट में जो BBA बनता है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, या एप्लीकेशन फॉर्म में ही मेंशन कर रहे हैं 7 साल 8 साल पोजीशन का टाइम, क्योंकि उनको भी पता है ये जो बड़ा लग्जरी प्रोजेक्ट ब्रोशर पे बेच रहे हैं हम, उसको एक्चुअल में डिलीवर करने में टाइम लगेगा, क्योंकि एग्जैक्ट स्टैंडर्ड्स को मीट करना, होम बायर्स को कमिटमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी देना, ये भी डेवलपर का क्राइटेरिया होता है। तो राइट कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढना अपने आप में, जैसे मैंने बताया कि चैलेंजिंग है, लॉन्चेस बहुत सारे होते हैं, और बिल्डर्स का फोकस जैसे मैंने बताया कि क्वालिटी एश्योरेंस और टाइमली डिलीवरी की तरफ ज्यादा है, क्योंकि रेरा की गाइडलाइन उसे मीट करनी है, उसके लिए मजबूरी कह लीजिए। पहले तो आपने देखा होगा प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाते थे, आप पेमेंट कर देते थे, गड्ढे तक 30-40% पेमेंट आप कर देते थे, और उसके बाद प्रोजेक्ट रुक जाता था और आप NCLT के चक्कर काट रहे हैं, या रेरा या NCDRC के चक्कर काट काट के थक रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस प्रॉपर टाइमली हो, हर स्टेज पे टाइमली हो, और हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड को भी मेंटेन किया जाए, ये एक परेशानी का सबब चैलेंज इस टाइम पे देखने को मिल रहा है। और फिर जिस हिसाब से नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उस हिसाब से स्किल्ड लेबर भी नहीं मिल रही है। कॉन्ट्रैक्टर भी अगर मिल रहा है तो स्किल्ड लेबर नहीं मिल रही, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। फिर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को अपनाना, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्टर है तो उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी भी हो, ये भी थोड़ा सा मुश्किल होता दिख रहा है। तो ये अपने आप में टेस्ट इनोवेशन के साथ, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के साथ कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढना इस समय शॉर्टेज के तौर पे सामने आ रहा है। और इस समय आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस बहुत किया है। पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़ा है, तो जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा होता है तो कॉन्ट्रैक्टर ऑलरेडी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में अपने वर्कफोर्स को लगा रहे होते हैं, तो वहां पर मैन पावर का मिलना, स्किल्ड मैन पावर का मिलना, ये अपने आप में बहुत परेशानी का सबब बन जाता है। तो क्या है इसके इनोवेटिव सॉल्यूशन इस टाइम क्राइसिस के टाइम पर? चलिए उसके ऊपर एक डिस्कशन कर लेते हैं। जिस हिसाब से डेवलपर्स को इनोवेटिव स्ट्रेटजीज टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना है और अपने प्रोजेक्ट्स को ट्रैक पे रखना है, तो इसके लिए डेवलपर ने कुछ सॉल्यूशंस पे वर्क किया है। पहला सॉल्यूशन, इन हाउस कैपेबिलिटीज को बूस्ट करना। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन टीम, जैसे आपने देखा होगा कुछ बड़े डेवलपर इन हाउस कंस्ट्रक्शन टीम रखते हैं और पूरे प्रोजेक्ट पे कंट्रोल रख पाते हैं, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और क्वालिटी पे कंट्रोल रख पाते हैं, क्योंकि उनकी इन हाउस टीम के ऊपर उनका कंट्रोल होता है और इससे प्रोजेक्ट की टाइमली डिलीवरी भी कर पाते हैं। और हाई स्टैंडर्ड अगर उन्होंने कमिट किया है तो उसको मीट आउट करने के लिए उन्हें इन हाउस टीम बनाना उनके लिए फायदे का सौदा रहता है। इससे मैंने जैसे बताया कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पे पूरी तरह कंट्रोल होता है, क्वालिटी, टाइमलाइन, ये सब चीजें मीट आउट कर पाते हैं। और ये अप्रोच डेवलपर की, जैसा मैंने बताया कि जब कंट्रोल वे में काम होगा
तो उनकी डिपेंडेंसी एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टर पे नहीं होगी, और डिपेंडेंसी रिड्यूस होगी तो क्वालिटी भी आएगी और टाइमली डिलीवरी भी आएगी, और इससे कहीं हद तक जो प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर होते हैं तो उससे कॉस्ट भी एनहांस नहीं हो जाएगी उनकी, क्योंकि कई बार देखने को आता है टाइमली डिलीवरी से जैसे ही प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो डेवलपर के लिए कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ जाती है, तो इन चीज़ों से भी वहाँ रोक होता नज़र आ रहा है। तो लेकिन ये ऐसा बोलना कि इनहाउस कर लेना इतना भी आसान नहीं है, इसके लिए प्रॉपर रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग की, क्योंकि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है इनहाउस पूरे सेटअप को तैयार करना, प्रॉपर ट्रेनिंग देना उनको और प्रॉपर इक्विपमेंट्स अपना बाय करके रखना। ये डेवलपर हर कोई बेयर नहीं कर पाता, लेकिन ये एक सॉल्यूशन हो सकता है, कुछ डेवलपर से बेयर करके इसे मैनेज कर लेते हैं तो उनको कहीं हद तक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन में दिक्कत कम आती है। अब दूसरा सॉल्यूशन मुझे दिखता है ग्लोबल कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करना, वो कॉन्ट्रैक्टर्स जिनके पास वैसा एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जिसके पास एक्सपर्टीज है और वो लार्ज प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हैं, या जो कमिटमेंट आपने की है प्रोजेक्ट को कंसीव जो किया है, जैसा लोगों को कमिट किया है वैसे वो प्रोजेक्ट कर पाएँ, इसके लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है, या मतलब लग्जरी प्रोजेक्ट वो डिलीवर कर पाएँ क्योंकि लग्जरी इस टाइम ज़्यादा बिक रहा है, तो उसके लिए कई बार ग्लोबल कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करना भी फ़ायदे का सौदा होता है। अगर आपको इंडिया में नहीं मिल रहा है, इंडिया में काम बहुत चल रहा है, तो ग्लोबल कॉन्ट्रैक्टर्स आपके लिए एक ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर, हाई क्वालिटी डेवलपमेंट जिसकी जिसकी स्पेशलाइजेशन हो कंस्ट्रक्शन, हाई राइज बिल्डिंग को अच्छा कर पाए, ऐसा बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर आपको ढूंढ लेना चाहिए। तो ये एक सॉल्यूशन के तौर पे आता है डेवलपर के लिए, कि डेवलपर ऐसी स्थिति में ओवरकम कर पाता है जो शॉर्टेज है कॉन्ट्रैक्टर की इंडिया के अंदर उस सिचुएशन से, और बेटर अगर डेवलपमेंट होगी तो कस्टमर को डिलीवरी भी टाइमली होगी तो वो उस सिचुएशन से बाहर आ पाता है, और साथ में इसमें वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज़ को भी वो इन्जॉय कर लेता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज़ के साथ की डिलीवरी जो है वो कमिटमेंट के हिसाब से हो तो डेवलपर को अपनी गुडविल बनाने में भी आसानी होती है। और जिस टाइप के चैलेंजेस मैंने आपको बताए, जैसे कि हायर कॉस्ट और रेगुलेटरी हर्डल्स जो सामने आते हैं, उन सब से भी बचा जा सकता है। पार्टनरिंग विद कंस्ट्रक्शन टेक कंपनीज, जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ी है, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज भी इसके अंदर आई हैं, लेकिन ऐसी कंपनीज के साथ में पार्टनरिंग करना ये एक अच्छा फ़ायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि ऐसी कंपनीज कई बार कटिंग एज टेक्नोलॉजीज भी लेकर आई हैं, इनोवेटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक भी इनके पास अगर है तो ये डेवलपर्स को हेल्प करती है कि जो प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करें, अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें, उनकी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उनके साथ पार्टनरिंग करके आप नए प्रोजेक्ट्स को, जो आपके प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन है उसको आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी एक प्रॉपर फंड चाहिए। अगर पार्टनरिंग कर ली तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, ये अपने आप में एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, एडवांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल हो सकता है आपके लिए। इससे आप अपने आप पे जो प्रेशर है एज अ डेवलपर, आप पे जो प्रेशर है कंप्लीशन का, उससे कहीं हद तक आप बच सकते हैं। फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, जी हाँ, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, आपको स्किल्ड वर्कर चाहिए, तो इंडस्ट्री प्लेयर को हाई क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से ही आपकी मैन पावर ट्रेंड होगी। वैसे क्रेडाई नारेडको जैसी ऐसी बड़ी इंस्टीट्यूशंस इस पे वर्क कर रही होती हैं, ऐसे इनिशिएटिव्स को लेती हैं जिसमें इसमें लेबर को प्रॉपर स्किल करने जैसी जो एजुकेशन है उसके ऊपर भी वर्क किया जाता है, क्योंकि फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेना ही सॉल्यूशन नहीं है, आपको स्किल्ड मैन पावर का रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्किल्ड मैन पावर होगी तो प्रोडक्ट के अंदर फिनिशिंग अच्छी आएगी, और स्किल शॉर्टेज का नुकसान बहुत भुगतना पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर क्वालिटी अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो डेवलपर अपना नाम भी मार्केट में नहीं बना पाता। तो स्किल्ड मैन पावर की कमी को पूरा करने पर भी फोकस करना चाहिए, ऐसे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो रेगुलर इसको डेवलप करे और एक स्किल्ड मैन पावर को भी एम्प्लॉय करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे रोजगार भी मिल पाएगा। अब इसका क्या है रिपल इफेक्ट? जी हाँ, जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर की शॉर्टेज हो रही है अपने आप में ये डेवलपर्स के लिए हेडक बना हुआ है, और इसके इम्प्लीकेशन रियल एस्टेट इकोसिस्टम पे पड़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी पे ओवरऑल पड़ते हैं। तो क्या हैं वो रिपल इफेक्ट्स? सबसे पहले प्रोजेक्ट डिले और कॉस्ट ओवर रन्स। जैसे मैंने बताया कि
की प्रोजेक्ट टाइमलाइन, आप एज अ डेवलपर जब किसी प्रोजेक्ट को डिलीवर करने का या सेल करते हैं तो आप प्रोजेक्ट के टाइमलाइंस भी देते हैं, इस टाइम तक आपको डिलीवरी भी दे देंगे और अपना एक बजट भी रखते हैं। लेकिन अगर यहाँ शॉर्टेज आती है, क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर आपको नहीं मिलते, तो ऐसे टाइम पर डिले भी होता है और इससे डिले होने से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी एनहांस हो जाती है, क्योंकि टाइम के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ओवर टाइम बढ़ती रहती है। तो कॉस्ट का बढ़ना और डिले फेस करना, पेनल्टी बायर्स को देना, ये अपने आप में डेवलपर के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। और कहीं हद तक अगर प्रॉफिट मार्जिन है भी तो प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो जाता है, बायर्स का पेशेंस खत्म हो जाता है और डेवलपर अगली बार प्रोजेक्ट बेचना चाहे तो बेच नहीं सकता, क्योंकि अभी हॉट मार्केट है। इस हॉट मार्केट में वैसे मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा करंट मार्केट सिनेरियो के ऊपर, लेकिन आज की मार्केट में जिस हिसाब से नंबर्स चल रहे हैं उस हिसाब से अभी भी मार्केट में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो इस हॉट मार्केट को इनकैश करने में डेवलपर फिर अगले प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं कर पाता, क्योंकि उसका ट्रैक खराब हो चुका होता है। फिर क्वालिटी कंसर्न्स, जिस हिसाब से शॉर्टेज चल रही है स्किल्ड कॉन्ट्रैक्टर की, स्किल्ड लेबर की, उससे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कहीं हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्वालिटी कंसर्न्स जैसी दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर कंट्रोल मेजर्स लेने की ज़रूरत है, प्रॉपर स्किल्ड लेबर लेने की ज़रूरत है और किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर एज अ बायर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो इन चीज़ों को आपको रेगुलर मॉनिटर करना है कि आखिर डेवलपर कर क्या रहा है। मार्केट डिस्टॉर्शंस होता क्या है कि बड़े डेवलपर कई बार इसको चूँकि एस्टैब्लिश है वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मेंटेन कर ले जाते हैं, लेकिन जो स्मॉलर प्लेयर हैं कई बार वो नहीं कर पाते, जिससे उनका जो मार्केट में पोजीशनिंग है वो कहीं हद तक वीक होती है और स्मॉलर प्लेयर इससे धीरे धीरे मार्केट से आउट हो जाते हैं। अगर वो प्रॉपर डिलीवरी नहीं करेंगे, क्वालिटी डिलीवरी नहीं करेंगे, तो मार्केट में चाह के भी अपनी जगह नहीं बना पाते और फिर एक इम्पैक्ट आता है अफोर्डेबल हाउसिंग पे। अगर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिल रहा तो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के जैसे प्रोजेक्ट जहां मार्जिन कम होता है, वॉल्यूम का गेम होता है, तो वहां पे भी एक स्कैसिटी ऑफ स्किल्ड लेबर होगी, तो डेवलपर प्रोजेक्ट को टाइमली डिलीवर नहीं कर पाता। तो इससे इंडिया की जो अफोर्डेबिलिटी है हाउसिंग के अंदर वो कहीं हद तक नहीं आ पाती। तो ये अपने आप में क्रूशियल इशू है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, रेगुलर मैन पावर का होना, स्किल्ड मैन पावर का होना, स्किल्ड कॉन्ट्रैक्टर का होना जिसके पास टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो और इक्विपमेंट्स ऐसे हो, इसकी बहुत ज़रूरत होती है, नहीं तो अफोर्डेबल हाउसिंग भी इम्पैक्ट कर सकता है। इनोवेशन कैटलिस्ट, जिस हिसाब से करंट चैलेंजेस आ रहे हैं इनोवेशन से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो यहाँ मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्निक को यूज़ करना और साथ में AI प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर लाना, ये डेवलपर और कॉन्ट्रैक्टर के लिए कहीं हद तक बहुत ज़रूरी है, उसको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो पोटेंशियल लीडिंग लॉन्ग टर्म के अंदर इम्प्रूवमेंट हो, उससे एफिशिएंसी और क्वालिटी आ पाए, ये एक प्राइम मोटिव होना चाहिए। मतलब हमें टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स और AI का यूज़ करके बेटर सॉल्यूशन निकालने पर काम करना चाहिए। अब क्या है यहाँ से रास्ता, अब बात कर लेते हैं रास्ते की, क्योंकि रास्ता भी इम्पॉर्टेंट है। द रोड अहेड, जिस हिसाब से ये चैलेंजेस हैं तो उस पर सबको सोचने की ज़रूरत है, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको इस पर वर्क करने की ज़रूरत है सॉल्यूशन पे। जैसे स्टेक होल्डर्स की बात करें तो डेवलपर, कॉन्ट्रैक्टर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सब इस पर वर्क करेंगे तो ज़रूर इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी हो सकता है। जैसे स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जिस हिसाब से लार्ज स्केल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम उनको चालू किया जाएगा तो नई जनरेशन कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल सामने आएंगे और वो प्रॉपर तरीके से इक्विप्ड होंगे हैंडल करने में कॉम्प्लेक्सिटीज़ मॉडर्न प्रोजेक्ट की। तो ये बहुत ज़रूरत है कि कोलैबोरेशन हो बिटवीन इंडस्ट्री बॉडीज़ लाइक क्रेडाई, नारेडको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, इन सब का एक प्रॉपर कोलैबोरेशन हो और फिर लार्ज स्केल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को रन किया जाए। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, जी हाँ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आए जिससे फॉर्मलाइज हो पाए वर्कफोर्स और स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग सिस्टम इसके अंदर आए, सर्टिफिकेट प्रोग्राम आए और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तैयार हो, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इसके अंदर आए। तो यहाँ ऐसे रिफॉर्म्स लाने की भी ज़रूरत मुझे दिखती है। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन,
जी हाँ, कटिंग एज कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज ज़्यादा से ज़्यादा आए, जिससे चैलेंजेस कम हो, लेबर शॉर्टेज से मैनेज किया जा सके, या 3D प्रिंटिंग ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट, या ड्रोन साइट सर्वे, टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट हो, जिससे टेक्नोलॉजी अगर आएगी तो उससे एफिशिएंसी एनहांस होगी, क्वालिटी अच्छी आएगी, इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोलैबोरेटिव अप्रोच, डेवलपर्स को ज़रूरत है कि कोलैबोरेटिव अप्रोच अपनाएं, जॉइंट वेंचर या कंसोर्टियम मॉडल लेकर आएं, जिससे कि रिसोर्सेज को कहीं हद तक पूल किया जाए, एक्सपर्टीज को पूल किया जाए, तो जिससे उनका रिस्क कम होगा और क्वालिटी एश्योरेंस भी आएगी और स्मॉल प्लेयर्स भी उस पर वर्क कर पाएंगे। फिर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, जिस हिसाब से चैलेंज इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर देख रहा है, उस हिसाब से उससे ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को लर्न करना चाहिए, और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को भी अगर ज़रूरत पड़े, जहाँ से बेस्ट काम जहाँ हो रहा है वहाँ से इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को भी हायर किया जा सकता है, और उनकी निगरानी में इंडिया में अच्छे से काम भी कराया जा सकता है, क्योंकि कई कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है और वो इंडिया में नहीं हो रही, तो हमें वहाँ से एक्सपर्ट्स को एक तौर पे निगरानी के तौर पे, उन्हें सुपरविज़न के तौर पे भी हायर करके इंडिया के अंदर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ऐसे सक्सेसफुल मॉडल अगर डेवलप किए जाए, तो इससे मार्केट भी डेवलप होगी और प्रॉपर तरह से वैल्यूएबल इनके इंसाइट्स इंडिया के अंदर भी इस तरह की टेक्नोलॉजी में डेवलप हो पाएंगे। जिस हिसाब से स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन इस टाइम बनाना है, तो ये सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी सिर्फ डेवलपर या होम बायर्स के लिए ही नहीं है, पूरे नेशन के लिए है। एक तरह से कंट्री की इकोनॉमिक एस्पिरेशन, क्रूशियल ड्राइवर फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ, ये सब चीज़ें रियल एस्टेट। तो इस समय करंट कॉन्ट्रैक्टर शॉर्टेज कहीं हद तक इस पोटेंशियल को अंडरमाइन करता है। तो यहाँ प्रायोरिटाइजिंग, कोलैबोरेशन, ट्रांसपेरेंसी कंस्ट्रक्शन के अंदर पार्टनर्स के साथ, या बेंचमार्क सेट करना क्वालिटी और एफिशिएंसी का इंडस्ट्री के अंदर, ये बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर इनोवेटिव अप्रोच की ज़रूरत है कि इन चैलेंजेस से बाहर आया जाए और ग्रोथ की जो स्टोरी है इसको कंटिन्यू रखा जाए। जो लंबी लंबी इमारतें हैं, जिस हिसाब से सेल तो हो रही हैं, बनाने की कमिटमेंट हो रही है, लेकिन उसमें प्रॉपर स्किल लेवल का होना और टेक्नोलॉजी इनोवेशन का डालना, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स का होना, कहीं हद तक रियल एस्टेट में एक तरह से पॉसिबल स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल फाउंडेशन क्रिएट कर सकता है। और यहाँ रियल एस्टेट सेक्टर को ज़रूरत है कि शेप ले, नए चैलेंजेस से उभर कर आए और स्काईलाइन को छूती इमारतें यहाँ बने, और इसके लिए जो चैलेंजेस हैं उससे ओवरकम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मेरे को लगता है इस अपॉर्चुनिटी को इंडिया बेस्ट से बेस्ट एनकैश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जो इश्यूज हैं इन पे वर्क हो पाएगा और लंबी लंबी ऊंची ऊंची इमारतें भी इंडिया के अंदर बन पाएंगी। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।